हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रमजान स्पेशल कढ़ाई चिकन, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो गाइस, आपका स्वागत है शमा फूड किचन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कढ़ाई चिकन, जो बहुत ही फटाफट बन जाएगा और बहुत ही स्पाइसी। यहाँ पर हम रमजान स्पेशल बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही स्पाइसी बनने वाली है। इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो चिकन और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, ये देखिए। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेशन करने के लिए रखेंगे, जिसके लिए हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, 1/2 नींबू का रस, इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। ये रमजान स्पेशल हम यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है, तो इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये बहुत ही स्पाइसी बनेगा। इसको ज्यादा देर के लिए हमें मैरिनेशन होने को नहीं रखना है, सिर्फ हमें इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेशन होने को रखना है। तो चलिए, अब हम इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए मैरिनेशन होने को रख देते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पर मसालों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, जिनको हमने अच्छी तरह धो लिया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ली है 1 शिमला मिर्च। आप यहाँ पर इसकी जगह पे, अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप बटाटा भी ले सकते हैं, और आपको वेजीज नहीं पसंद तो आप सिर्फ प्याज ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज को इस तरह से भी काट लिया है, और ये है 5 हरी मिर्चें, और ये है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 1 छोटा बाउल दही, 1 छोटा बाउल मलाई। तो चलिए, अब हम अखे मसालों को देख लेते हैं। ये है तेज पत्ता, ये है लाल मिर्च, और ये है 10-12 काली मिरी, और ये है अखा धनिया। तो चलिए, अब हम पिसे हुए मसालों को देख लेते हैं। सबसे पहले है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच होममेड गरम मसाला, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। तो चलिए, अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर की प्यूरे बनाएंगे, जो हमने 3 टमाटर लिए थे, हम उनको इस तरह से मिक्सर जार में काट कर डाल देंगे और इनकी प्यूरे बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारी टमाटर की प्यूरे बन चुकी है। तो ये देखिए, अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन मैरिनेशन होकर तैयार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई को ले लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए, अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम अपने अखे मसालों को भून लेंगे इस तरह से, इसको अच्छी तरह भून लेंगे अपने मसालों को। इनमें जब एक अच्छी खुशबू आ जाएगी तब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे अखे मसाले भून चुके हैं, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब हम इस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे, इससे हमारे कढ़ाई चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट और स्वाद आएगा। आप सरसों का ही तेल लें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत स्वाद आता है। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए आप इसमें सरसों का ही तेल डालें। वैसे जो आपको पसंद हो, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल 1 बड़ा चम्मच डाला है, इसको हम खूब अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब सरसों के ऑयल में निकल जाए तब हम इसमें अपना चिकन को डालेंगे। ये देखिए, हमारे सरसों के ऑयल में धुआं निकल रहा है, इसकी खुशबू निकल रही है। तो अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर चिकन को डाल देंगे। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो अब हम इसमें एक एक पीस करके चिकन को डाल देंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर चिकन को एक एक पीस करके डाल रहे हैं और इनको इसी तरह से सुरख करना है। ये देखिए, इस तरह से डालते जाना है चिकन को हमें। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे और सुरख कर लेंगे। इनका कलर चेंज होने तक ही हमें इनको इस तरह से फ्राई करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से आप इनको फ्राई करें,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 10 मिनट तक आपको चिकन को इसी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम रखनी है आपको गैस की। ये देखिए इस तरह का हमारा चिकन होना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब हम इस स्टेज पर जो हमने मसालों को भुना था अब हम इसमें डाल देंगे और अब हम इनको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे चिकन में और इनको भी वापस से भून लेंगे इसी के अंदर चिकन के साथ। तो ये देखिए अब हमारा चिकन हमने इसमें मसाले डालकर भी इसको अच्छी तरह से सुरख कर लिया है आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर टमाटर की प्यूरी को डाल देंगे। इसको टमाटर की प्यूरी में ही हमें अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे चम्मच चलाते हुए। 2 मिनट तक हमने इसको टमाटर की प्यूरी में पका लिया है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सारे पीसे हुए मसालों को डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन में। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब जो हमारे चिकन के मैरिनेशन का पानी था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह चम्मच की मदद से चलाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर हरी मिर्च को इस तरह से बीच में से छील लिया था काट लिया था। तो अब हम इसके अंदर इसको सारी सब्जियों को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे हम इसको चिकन में इस तरह से। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बहुत ही स्पाइसी बनने वाला है हमारा कढ़ाई चिकन। तो आप एंड तक जरूर देखें हमारे वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम इस स्टेज पर अपनी दही को डाल देंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर दही खट्टी होगी तो हमारा चिकन भी पूरी तरह से खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको दही को अच्छी तरह मिला लेंगे और दही को डालते वक्त लो फ्लेम रखेंगे। हमारा चिकन अच्छी तरह से बन रहा है और गल रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा कढ़ाई चिकन बहुत ही अच्छे बहुत ही जल्दी बन चुका है और हमारे कढ़ाई चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। आपको ये रमज़ान में बहुत ही जल्दी बन जाने वाला एक डिश है ये कढ़ाई चिकन। हम आपको एक आसान तरीका बता रहे हैं कढ़ाई चिकन बनाने का। अब हम चिकन को 10 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, वो भी ढककर। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर इस स्टेज पर फ्लेवर आने के लिए बटर को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। अब हम इसको चला लेंगे थोड़ा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बटर को। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल आ चुका है और बहुत ही मस्त लग रहा है हमारा कढ़ाई चिकन। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बना है हमारा कढ़ाई चिकन, ये देखिए। अब हम इसको फिनिश करने के लिए इसके अंदर एक छोटा बाउल मलाई को डाल देंगे और मलाई को डालते वक्त हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मलाई को चिकन में, अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। ये देखिए अब हमारा चिकन कितनी बढ़िया तरीके से गल चुका है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस अब हमारा कढ़ाई चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है इसका। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।